फिल्म तो देखी होगी ना आपने, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं विपिन की दीवानी हूँ। एंड आई लव यू सो मच विपिन, आई लव यू। एंड हाय विपिन, मैं दिस इज शिवांगी, आई एम फ्रॉम कनाडा। हेलो शिवांगी जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? I'm doing absolutely fine, you know. I saw your video and मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने आपका वीडियो देखा एंड आई जस्ट, माई हार्ट जस्ट जम्प्ड, इट स्किप्ड अ बीट। एंड यू नो, मुझे ऐसे लगा कि आप तो ना खतरों के खिलाड़ी हो। ये बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या बताऊं कि मैं अंदर से अभी जो, मतलब ये है ना कि अब इंटरनेशनल लेवल का प्यार मिल रहा है कि लोग इतनी दूर दूर भी वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। नहीं, आपका वीडियो पूरा वायरल हो चुका है, पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ आई हूँ कनाडा से। मैं बस आपके साथ बात करना चाहती हूँ, मतलब आई फ्लोन ऑल द वे फ्रॉम कनाडा जस्ट टू स्पीक टू यू। एंड आई एम सो फीलिंग सो लकी कि मुझे ना मौका मिला कि आपसे मैं बात करूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आपकी जो वीडियो है ना, मैंने तब देखी जब मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, निखिल। तो मैं इतनी सैड थी और मैंने आपका वीडियो देखा एंड आई जस्ट थॉट, ओ माय गॉड, लाइक यू नो, मर्द हो तो ऐसा, यू नो, मेरा जो बॉयफ्रेंड है इतना बड़ा लूजर है, मतलब आप इतने स्ट्रांग हो, इतने करेजस हो, इतने, मतलब इतने ब्रेव हो, इतनी हिम्मत है आप में, आप 12,000 फीट कूदे हो, यू नो, मेरा बॉयफ्रेंड इतना बड़ा लूजर है, वो चेयर से नहीं कूद सकता। नहीं, ये तो तारीफ थी कि ये, मतलब क्या था कि मैं कूदा और मैं इतना बुरा और डरा हुआ था। नहीं, आप डरे नहीं थे, वो आपके जज्बात जो थे ना वो निकल रहे थे, आप डर नहीं रहे थे, दैट वाज नॉट फियर। मतलब अभी आपका वो ब्रेकअप वाला टेंशन खत्म है ना वीडियो देखने के बाद, कुछ कम हुआ? ऑफ कोर्स, मैंने उसको फोन करके बोला, कुत्ते कमीने, तू इतना बड़ा, पता नहीं तू इतना बड़ा लूजर है ना। एंड मुझे ना, आई वॉज लाइक, आई वॉन्ट अ मैन जस्ट लाइक विपिन, दैट्स इट। आप सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं तो ये क्या ऑफर था मुझे देते हैं कि क्या, यू नो, बिकॉज मतलब आप आए हो मेरी लाइफ में एंड आई जस्ट, यू नो, आई एम नॉट सैड एनीमोर एंड आई एम सो हैप्पी टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। मतलब मैं क्या, जो देखिए, एक तो बात आती है ना कि ये जो अभी अभी चल रहा है ना सीनियर, सब आप लोगों की वजह से ही है कि इतना जो ज्यादा प्यार दिखाया हुआ है कि इसको एक्सप्लेन करना शायद शब्दों में पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पे, जितना प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। और आप तो फिर मतलब अलग ही लेवल का आपका प्यार है। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज मुझे पता चल गया विपिन, राइट अवे आई न्यू, मैंने आपका वीडियो देखा, आई वाज लाइक दिस इज द मैन, बिकॉज यू नो व्हाट, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनिए ये वाली बात, आपने पूरे वीडियो में एक बार भी, मतलब एक बार भी आपने कैमरा को नहीं छोड़ा, यू डिडंट लेट गो ऑफ द डैम कैमरा, यू हेल्ड ऑन टू इट सो डैम टाइट, मैंने कहा दैट्स द काइंड ऑफ गाय आई नीड, यू नो, हु इज गोना होल्ड ऑन टू मी सो टाइट एंड नेवर लेट मी गो। तो वही तो एक चीज थी जिसकी वजह से आप आज देख रही हैं इसको, मतलब इस वीडियो को देख रही हैं, इतने मजे ले रही हैं, वरना अगर वो छूट गई होती तो कहाँ लोग इतने मजे ले पाते। नहीं, आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं कनाडा से हूँ, वहां पे हम लोग बहुत फ्रैंक हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो फिल्म तो देखी होगी ना आपने, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं विपिन की दीवानी हूँ। आई नो, मैं आपके साथ उड़ना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ हम साथ में क्यों नहीं पैराग्लाइडिंग करते, वी कैन फ्लाई टुगेदर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आप बताओ, बिल्कुल साथ में करेंगे, लेकिन फिर मुझको संभालेगा कौन, क्योंकि मैं तो हालत क्या होती है वो पता ही है आपको, देख ही चुकी है। दैट्स फाइन, वी विल डू इट टुगेदर, मैं आपको संभाल लूंगी, आप मुझे संभाल लेना, मैं आपको संभाल लूंगी, बस आप अपनी टांगे ऊपर रखना। पर ये आप कुछ, एक बार ना वीडियो में आप बार बार कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, समथिंग लाइक गांधू, क्या था वो? तो मतलब क्या आप ये सुनना चाहती हैं कि मैं खुद अपने आप बोलूं कि मैं? पर उसका मतलब, और आपने कुछ और भी बोला ना, लाइक और भी चीजें बोल रहे थे, फट रही है, क्या फट रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, यू नो, हमारे वहां पे ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है, वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा, नहीं वो अपनी क्या है ना, एक जो अंदर से जो नर्चरिंग होती है ना बचपन से लेके आगे तक की, तो वो लास्ट में एट द एंड गन पॉइंट पे
और फियर पे निकल ही आता है पूरा वो, आप चाहे जितना पढ़ लिख लो चाहे जो कुछ कर लो। जब आप लैंड हुए ना, यस यस यस, जब आप लैंड हो रहे थे ना, लाइक आपकी, वैसे आपकी लैंडिंग तो अल्टीमेट थी, मतलब वाओ व्हाट अ लैंडिंग, यू लैंडेड राइट ऑन योर बम, यू नो, घसीट तो हुए, बट आई जस्ट लव्ड इट, एंड यू नो आई थॉट दैट दिस इज द वे आई वांट यू टू लैंड इनटू माय हार्ट। मतलब दिस इज अमेजिंग कन्वर्सेशन, क्या बताऊं मैं अब आपको कि आप, मतलब मैं निशब्द कर दिया आपने मुझे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि आपसे अब क्या बोलूं। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज मुझे नहीं समझ में आई कि आपने अपनी लाइफ का वो जो आप बोल रहे थे उस बंदे को कि भाई मैं तेरे को 500 रुपए ज्यादा दे दूंगा, तू मुझे अच्छे से लैंड करवा दे, आपने सिर्फ 500 रुपए की कीमत क्यों रखी अपने लिए, ये क्यों, ऐसे क्यों किया आपने? मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा था, वो उसको जो राइडिंग का मिल रहा था वो अलग ही, मैं डीलिंग स्टार्ट किया हुआ था उससे कि भाई 100 ले ले, 200 ले ले, 500 ले ले, लेकिन लैंड तो करा दे वो बंदा, हो सकता है उसको डील अच्छी नहीं लगी और ऑफर ज्यादा चाह रहा था। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि मैं जो मेन चीज है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब हमने इतनी बातों करी ली है, आप ये बताइए आप सिंगल है, कमिटेड है, क्या है चक्कर, क्या है भाई? बर्थ सिंगल है हम तो। Oh, then we're ready to mingle. तो आप चलेंगे मेरे साथ कनाडा? बिल्कुल, एनी टाइम। आप मतलब आप फैन, क्या फैन नहीं होते एक तो, अपने अपने तो यार होते हैं, तो आप जहाँ कहें वहां चलेंगे अपने यारों के साथ, कहीं जाने में क्या प्रॉब्लम है? ओके सो आपका पासपोर्ट है ना आपके पास, रेडी टू गो, क्योंकि वीजा मैंने आपका तैयार कर लिया है। Oh my God. मैंने वीजा वहां पे जो कैनेडियन एम्बेसी है ना, मैंने उनको आपका वीडियो दिखा दिया था, मैंने बोला वी नीड दिस मैन हियर, वी नीड दिस गाय हियर इन कनाडा, ही इज कमिंग विद मी। तो कनाडा से स्काई डाइविंग करानी है क्या, कि पैराग्लाइडिंग करानी है अब आपको? नहीं नहीं, हम तो सब कुछ करेंगे वहां पे जाके, पैराग्लाइडिंग, दैट ग्लाइडिंग, वो ग्लाइडिंग, ऑल द ग्लाइडिंग इन द वर्ल्ड वी कैन डू टुगेदर, देयर इज नो इश्यूज। आप बस, आपने हां बोल दिया, मेरा दिन बन गया। थैंक यू सो मच आपने मेरे साथ बात करी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिखाया, एंड आई एम रियली ग्लैड कि इतना ज्यादा, मतलब इतना भी मतलब क्रेज हो गया है कि लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं। एंड आई लव यू सो मच विपिन, आई लव यू, एंड आई लव द करेज दैट यू हैव, एंड आई लव द स्पिरिट दैट यू हैव, यू आर एन ऑसम पर्सन, आप हमेशा ऐसे ही रहो, हमेशा हंसते रहो, और भगवान आपको सब कुछ दे। आप भी 500 ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन बस ऐसे ही हंसते रहो। I will. आप ऐसे वीडियोस बनाओगे तो मैं डेफिनेटली हंसती रहूंगी, और अगर आप मेरा साथ दोगे जिंदगी भर का तो ज्यादा हंसूंगी। I'm ready, आप बताओ तो सही। Okay, bye.